तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज किए थे, जिसके अंदर फॉर्मूलाज में u इंटू वी का फॉर्मूला था, u अपॉन वी का फॉर्मूला था, और इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की थी। फिर उसके बाद हमने दो फॉर्मूलाज और किए थे, जिसके अंदर आपका साइन एक्स का फॉर्मूला था और कॉस एक्स का फॉर्मूला था, ये हमने डिस्कस किया, राइट। तो इसके बेस पे एक दो प्रॉब्लम्स या कुछ प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी, और कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था। तो कितने लोगों ने होमवर्क किया होगा? तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले असाइनमेंट की डिस्कशन से स्टार्ट करता हूँ। तो इसके अंदर जो सब्जेक्टिव शीट नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए दी थी, क्योंकि इसके आंसर्स फिक्स नहीं हैं, तो मैं एक बार क्लास में आके जाते हुए आपकी एक बार कॉपी इसको देख लूँगा जब आप जाएंगे, तो आइडिया हो जाएगा मेरे को कौन कौन से स्टेप्स आप सही करते हैं, कौन से नहीं सही करते। और उससे पहले कितने लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में डाउट है? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्लियर है? कितने लोग चाहते हैं कि ए से लेके जी तक मैं कोई प्रॉब्लम इसमें से सॉल्व करूं? हाथ खड़ा करो, जो बोलोगे वो सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, बोलो, डी पार्ट, ई, एफ, जी, ओके। तो मैं स्टेप्स एक बार चेक कर लूँगा, मतलब आंसर तो वेरीफाई नहीं हो सकते इसके, बट मैं आपकी कॉपीज एक बार चेक करके बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आपने गलती की है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट? यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं, और ये तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसमें 1993 भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, और ई भी कॉन्स्टेंट है। तो क्योंकि ई मैथ्स में कॉन्स्टेंट है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन भी आंसर क्या देगी? 0। तो तीनों पार्ट्स का आंसर एग्जैक्टली 0। बोलो, स्मॉल ई वेरिएबल नहीं है, स्मॉल ई मैथ्स का कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 point something होती है, तो ये मैथ्स वाले लोग बताएंगे। तो लेकिन ये जैसे पाई कॉन्स्टेंट है, ऐसे स्मॉल ई भी कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन इज 0। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ए फर्स्ट पार्ट, कितने लोगों को डाउट है? डाउट है। तो इस पार्ट में आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ये निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को क्या मानेंगे? u, और डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे? v। तो आप इसमें क्या करेंगे, x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? u बाई वी का फॉर्मूला क्लियर है? इसको ओपन कर लेते हैं, x प्लस 2 एज इट इज, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म माइनस x प्लस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, ऐसे डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ का आंसर दो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या देगी आपको? 1। इसकी डिफरेंशिएशन क्या देगी? 0। इसकी डिफरेंशिएशन क्या देगी? 1, और इसकी 0। कर लोगे सिंप्लीफाई आंसर? तो कितने लोगों का ये सही था, ऐसे किया? राइट, सही है। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर, ठीक, राइट। तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला क्लियर है? तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, कितने लोग चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं 3 का सेकंड पार्ट? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस हाथ ही खड़ा करना है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा क्यों पूछ रहे हो, आराम से इजी। तो कितने लोगों का को लगता है कि उन्होंने ठीक किया? अच्छा, आपको लगता है ये ठीक किया, ओके। तो कोई नहीं चाहता मैं सॉल्व करूँ इसे, ओके, ठीक है। कॉपी चेक करवा देना किसको डाउट होगा, कोई बात नहीं, क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट में डाउट? ओके। 4 पार्ट में डाउट?
फिफ्थ में डाउट, फिफ्थ में डाउट, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं न्यूमिनेटर को यू मान लेता हूं, मैं डिनोमिनेटर को वी मान लेता हूं, एक यू मान लिया और एक वी मान लिया, राइट। और फिर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा दिया। कोई डाउट इसमें? एक तरीका। दूसरा एक और तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है? साइड पे लिखता हूं किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, मेरे को इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं काम करूं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। कोई डाउट इसमें? तो वो सिंप्लीफाई कर सकता हूं, मेरा राइट है सिंप्लीफाई करना। तो डिनोमिनेटर कितना है, रूट एक्स, रूट एक्स को इससे और इससे दोनों से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट है 1 बाय रूट एक्स, या फिर ऐसा कर सकते हैं इसमें x की पावर को क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ। x ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, x की पावर माइनस हाफ, और यहां पे x की पावर 2 माइनस हाफ, क्योंकि ये 2 है और अंडर रूट की पावर क्या होती है, हाफ, और दोनों डिवाइड हो रही हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा, 2 माइनस हाफ। कोई डाउट इसमें? तो यहां से क्या बनेगा, x रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस x रेज टू पावर कितना, 3/2। क्या ये सिंप्लीफिकेशन क्लियर है? मतलब कि मैं डिफरेंशिएशन इसकी करूं या मैं डिफरेंशिएशन इसकी करूं, बात एक ही है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये बना लिया। कोई डाउट इसमें? मैंने इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया और मैंने इन्हें सिंप्लीफाई करके ये बना लिया। समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, अगर ये नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यू बाई वी का फॉर्मूला तो लगा भी सकते हो, तो आप u by v लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं कि आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो u by v भी कर सकते हो, मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगा। तो इसके अंदर जब आपने इसको सिंप्लीफाई करके ये किया, तो मैं काम कर सकता हूं d by dx of, ये जो टर्म दिख रही है आपको, इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं जो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये बना लिया था। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर कितना, 3/2। अब पावर रूल लगा दें, पावर रूल क्या है, माइनस हाफ x रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस 1, और यहां से 3/2 x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? और फाइनली माइनस हाफ x रेस टू पावर माइनस 3/2 माइनस 3/2 x रेस टू पावर कितना, 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ये पहला तरीका है। तो कुछ नहीं किया मैंने, मैंने सिंपली यहां पर इसको सिंप्लीफाई किया और ये बना लिया, और मैंने इसको डिफरेंशिएट करने की बजाय इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और मल्टीप्लाई किया डी बाई डी एक्स को दोनों तरफ से, और फिर दोनों पे क्या लगा दिया, पावर का रूल लगा दिया। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, अच्छा यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। मैंने u बाई वी लगाया ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको सिंप्लीफाई करके ये बन गया, तो मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया ये, मैंने तो सिंप्लीफाई कर लिया ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन करूं या इसकी करूं, बात तो एक ही है, सिंप्लीफाई करके तो ये टर्म आई गई, तो बात तो एक ही हो गई इसमें, ठीक है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करने की बजाय इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एक ही बात है। कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद मत करो, आप ऐसा करो, आप इसके अंदर u by v का फॉर्मूला लगा लो, वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा आपके लिए। तो आप कितने लोगों ने इसमें u by v लगाया वैसे? हाँ, बहुत सारे लोगों ने u by v लगाया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम एक काम करते हैं, इसमें u by v लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम क्वेश्चन है, d by dx of क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। जो न्यूमिनेटर है उसको क्या मानेंगे, u, डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे, v। तो यहां से डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कितने लोगों ने ऐसे किया? हाँ, सही किया, सही है।
तो अगर वो वाला मेथड आपको नहीं पसंद, मत करो, सिंप्लीफाई मत करो, सिंप्लीफाई करने की बजाय ऐसे कर लो, तो इसमें अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर कितना, हाफ, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, जीरो। इसकी डिफ्रेंसिएशन बोलो क्या आएगी, टू इंटू एक्स की पावर वन। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, हाफ इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस वन। तो पुट कर लोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये काम नेक्स्ट स्टेप में करना है, पर मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। क्या ये मेथड सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखो बेसिक आपने एक चीज नोट की होगी, सारी गेम ही पावर रूल की है। आप जितना बढ़िया पावर रूल लगाओगे और जितनी मास्टरी आपकी पावर रूल में है, उतनी तेजी से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है, यू बाई वी में तो कुछ करना ही नहीं होता। तो एक बार फॉर्मुला लगाया, छोड़ दिया, मेन चीज क्या है इसमें, पावर रूल आप कितनी तेज से लगा रहे हो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन। कितने लोगों को डाउट है और चाहते हैं कि मैं करूं? कोई टेंशन नहीं है, बस हाथ खड़ा करो, डन, इतना ही चाहिए बस। ये देखो, तो आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना, x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, 2 कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन है। अच्छा नहीं पता लग रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको क्या मान लो, u, इसको क्या मान लो, v, ऐसे कर लो। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसे ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, एक काम करें, 2 कॉमन आ जाएगा तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस 2x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। ये स्टेप क्लियर है, स्पेशली ये वाला स्टेप, जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं ना। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन की जगह क्या पुट करेंगे, 1, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 0, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स की पावर 1, जो बचा वो आंसर। मेथड क्लियर है यहां तक, कितने होगा सही है ये, ऐसे किया? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को किया, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कितने लोगों को डाउट है और चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूँ? क्या लगाया 4 में, यू इंटू वी लगाया, यू इंटू वी, तो कितने लोगों को इसमें डाउट है, हाथ खड़ा कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, पूछ सकते हो जाएगा। मुझे स्टेप्स चेक करवा देना अगर आपको डाउट है कि मैंने सही किया या गलत किया। आप जाते हुए 2 मिनट में से स्टेप्स में आपके जाते हुए हर कॉपी, हर स्टूडेंट की कॉपी एक बार नजर मार लूंगा, मुझे पता लग जाएगा 2 मिनट में देखते ही कि आपने क्या गलत किया क्या नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 5 तो मैं चाहता हूँ करना, और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बताए कि कितने लोगों का ये आंसर आया जो मैं करने जा रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² माइनस 7 होल रेज टू पावर हाफ। ठीक है, सबसे पहले माइंड क्या कहता है, क्या लगेगा, पावर रूल।
क्योंकि इस पूरे की पावर क्या है, हाफ। तो स्टार्ट विद पावर रूल, पावर रूल में पावर नीचे आ गई कितनी, हाफ। किसकी पावर, 4x² - 7 की पावर, जितनी भी थी उसमें से 1 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। क्या यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो कुछ नहीं किया इसमें, पावर नीचे, इस पूरे की पावर 1 माइनस कर दी, तो ये हाफ माइनस 1। पावर पे हाथ रख लो, सिखाया था पावर पे हाथ रख लो, आज तक जितने क्वेश्चन किए पावर पे हाथ रखते क्या दिखता था, डीएक्स बाय डीएक्स, जो कि क्या होता था, 1। इस बार अगर आप पावर पे हाथ रखो तो क्या दिख रहा है आपको, आपको दिखेगा डी बाय डी एक्स ऑफ 4x² - 7। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, देख रहे हो हमने क्या किया, पावर रूल लगाया, पावर नीचे रखी, इस पूरे की पावर 1 सब्ट्रैक्ट किया, पावर पे हाथ रखा तो क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² - 7। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या बचता है, डीएक्स बाय डीएक्स, इसमें डीएक्स बाय डीएक्स नहीं बचा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो कई लोग पूछते थे सर डीएक्स बाय डीएक्स क्यों लिख रहे हो, मना बंद करो ना, ये बंद कैसे करें, क्योंकि जहां पर 1 नहीं आएगा वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। और देखो यहां पर 1 नहीं आ रहा, यहां पर पावर नीचे एक पावर कम करके पावर पे हाथ रख के डी बाय डीएक्स ऑफ 4x² - 7 ये 1 बचा ही नहीं। तो यहां से आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा और आपके पास आंसर इसका आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ 4x² - d/dx of 7। तो यहां से हाफ इंटू 4x² - 7 रेस टू पावर माइनस हाफ, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया तो आपके पास ये टर्म बच गई और ये तो वैसे ही जीरो है। इसको सॉल्व करके क्या पुट करेंगे, 2 × x^1, तो 4 × 2 × x 8x हो जाएगा आंसर। तो कितने लोगों ने ऐसे किया था, ठीक किया, काफ़ी लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, काफ़ी लोगों लोग मिस कर जाते हैं। अच्छा कितने लोगों ने इसको छोड़ के यहाँ तक कर लिया था, अच्छा यहाँ तक नहीं किया, ओके। काफ़ी लोग इस चक्कर में पड़ गए, इसको ओपन कैसे करेंगे, ओपन कैसे होगा, हाफ हाफ की पावर कैसे ओपन होगी। तो बेस्ट तरीका बताऊँ, पावर रूल लगा दो आप, अगर पावर रूल लगाएंगे तो पावर रूल से आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना इसमें, आपने पावर नीचे उतारनी, स्टार्ट विद पावर, आपने देख लिया यहाँ पर होल रेस टू पावर हाफ है तो पावर में पावर नीचे उतरेगी, इसकी पावर 1 कम होगी और पावर पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स जो बच गया आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, मैं आपको एक और क्वेश्चन दूँ मिलता जुलता, ट्राई करोगे अभी ताकि आपको पता लग जाएगी कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक। तो एक काम करो, जिनका ये क्वेश्चन हो गया वो प्लीज़ ये क्वेश्चन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x + 1, ये क्वेश्चन है आपका, अभी करके दिखाओ इसे, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x + 1। ऑनलाइन वालों को डाउट समझ में आ रहे हैं, यस यस ठीक। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 1 होल रेज टू पावर कितना, हाफ, ठीक है। पावर रूल, पावर कितनी है, हाफ, तो हाफ से स्टार्ट करें, हाफ इंटू 2x + 1 होल रेज टू पावर हाफ माइनस 1, ये भी क्लियर है यहां तक। पावर पे अगर हाथ रखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, आपको दिखेगा d by dx of 2x + 1, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है? तो इसके अंदर हाफ इंटू 2x + 1 रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 2x + d by dx of 1,
तो यहाँ से हाफ इंटू 2x + 1 होल रेज टू पावर माइनस हाफ, 2 कॉन्स्टेंट है, dx/dx 1 है और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 है, दिस इज द आंसर। तो कितने लोगों का आंसर आ गया? ओके ठीक है, तो समझ में आ गया, हर बार dx/dx 1 नहीं होता। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या हमारी फिजिक्स में ऐसा चलेगा? नहीं, बहुत एक्सेप्शन, पूरे साल में एक आध क्वेश्चन होगा जो इतने लेवल पे जाएगा, बाकी 99.99% क्वेश्चन में dx/dx 1 ही दिखेगा। तो इतनी हार्ड डिफरेंशिएशन नहीं आती, नॉर्मल आती है तो नॉर्मल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे और आज हमारी ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन खत्म करके, एक और शीट क्लोज करेंगे। ऐसी एक लेक्चर किस पे लगेगा? इंटीग्रेशन पे, मोर देन सफिशियंट है डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन, जो हमारी फिजिक्स में पूरे 2 साल हमें काम आएगी, इतना ही हमें करना है बस। क्योंकि अभी तक फिजिक्स स्टार्ट कहाँ हुई है? हुई नहीं। फिजिक्स कहाँ स्टार्ट हुई? मैं कोई फिजिक्स का टीचर लग रहा हूँ किसी एंगल से आपको? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैंने कहाँ सिखाया पंखा कैसे घूम रहा है और फ्रिक्शन कहाँ पर है? फोर्स की बात भी नहीं हो रही। अभी फिजिक्स स्टार्ट होने में टाइम है। अभी एक और एलजेब्रा भी आएगा, वेक्टर एलजेब्रा, उसके बाद वो एलजेब्रा सीखना पड़ता है, कैलकुलस सीखना पड़ता है, यूनिट्स के बारे में सीखना पड़ता है, तब जाके तो फिजिक्स 1 महीने के बाद स्टार्ट होने की कोशिश करेगी, फिर 1.5-2 महीने के बाद एकदम अपने सही फॉर्म में आएगी, ठीक, और फिर एकदम स्मूथ चलेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार में जो टाइम लगने वाला है वो 2 महीने हमें बेस बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है। ओके, तो क्या लगेगा इसमें? क्या लगाया आप लोगों ने इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लगाया? यू इंटू वी का फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक। तो ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ये? यस, ठीक है। तो आप इसे क्या मान सकते हैं? यू। आप इसे क्या मान सकते हैं? वी। तो क्या आएगा? 3 + 2x³ इंटू d/dx ऑफ √x प्लस √x इंटू d/dx ऑफ 3 + 2x का क्यूब। तो क्या आएगा? 3 + 2x का क्यूब इंटू हाफ इंटू x की पावर माइनस हाफ। देखो ना, हाफ पावर है, x की पावर अंडर रूट का मतलब हाफ है, तो हाफ इंटू x की पावर माइनस हाफ, ठीक, प्लस √x इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d/dx ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में 2 कांस्टेंट आ रहा था, मैंने पहली बार निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट दोबारा आ ही सकते हैं। तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? 3 × x² और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0। बाकी इसकी तो कर ही चुके हैं आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपने आंसर निकालने हैं इसमें? कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 7, यू इंटू वी, ऐसे यू इंटू वी, जैसे ये किया वैसे वो करेंगे, ठीक। स्टेप्स चेक करवाना एक बार जाते हुए मुझसे, मैं चेक करूंगा। डाउट है तो पूछो, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। डाउट है 7th में? तो 7th में 2 टर्म्स हैं इसमें, और एक को क्या मानेंगे? यू, और एक को क्या मानेंगे? वी। देखो करते हैं एक बार। तो इसमें 7th क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करना है d/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स का क्यूब इंटू रूट ऑफ एक्स, राइट, ये वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर हम इसे क्या मानेंगे? u, इसे क्या मानेंगे? v। तो एक बार ये टर्म तो एज इट इज लिख दी हमने, ये लो, इंटू d/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू d/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स का क्यूब, ये लो। तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू d/dx ऑफ एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या होता है? ये लो, अंडर रूट का मतलब हाफ है। अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस d/dx ऑफ सेकेंड टर्म, जो कि क्या है? एक्स क्यूब। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चेक कर लो, फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, और फिर इसे क्या किया हमने? d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d/dx ऑफ
सेकेंड टर्म। तो ओपन कर दिया, तो यहां से अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स का क्यूब, पावर रूल लगेगा इसमें, हाफ इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है? तो इसकी डिफ्रेंसिएशन पावर रूल, इसकी डिफ्रेंसिएशन पावर रूल, इसकी डिफ्रेंसिएशन पावर रूल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, सही, ठीक है। तो इसमें कैलकुलस ही नहीं, पूरी फिजिक्स के अंदर ही आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला था, पढ़ाने का फॉर्मेट ये है ही नहीं। फिजिक्स ऐसे ही थोड़ी ना चलती है, फिजिक्स में तो रियल टाइम प्रॉब्लम चलती हैं। तो वो रियल टाइम प्रॉब्लम किसी चैप्टर में स्टार्ट होंगी, और मैंने जब एडमिशन भी हुआ आपको बताया भी था, मेरी अपनी बुक्स हैं, वो मैंने दी भी नहीं अभी आपको, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा कैलकुलस, वो तो फर्स्ट लेक्चर से ही कैलकुलस से स्टार्ट करेगी। तो कैलकुलस तो मैथ्स है, मैथ्स में तो क्या ही थ्योरी बना के दूंगा, तो मैथ्स तो मैथ्स की तरह ही चलेगा। तो जो फिजिक्स है वो फिर मेरी वॉल्यूम के साथ चलेगी, जिसको स्कैन किया हुआ है हमने, तो फिर वो वहाँ से पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा मैं कैसे अपना फॉर्मेट चेंज करूँगा। तो बढ़िया फॉर्मेट है, उसमें आपको जो है समझना है, और फिर इस तरीके से असाइनमेंट मिलेगी आपको, क्लास के अंदर ही उसे प्रैक्टिस भी करना है। ठीक, मैं क्लास में प्रैक्टिस करवा के भेजूंगा, कुछ शीट का जो पार्ट है, कुछ होमवर्क हुआ करेगा, ऐसा ऐसा चलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8, कितने लोग चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं क्वेश्चन नंबर 8? क्या लगाया बता दो फिर, यू बाय वी का फॉर्मूला, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन माइक करवाया था ना ऐसा कुछ, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना, तो कितने लोग चाहते हैं मैं सॉल्व करूं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, करूं मैं नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, एस की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी, 3t² + 9, और मुझे क्या निकालना है, ds/dt। एक काम क्यों नहीं करते, इस s की जगह ये पूरा रिप्लेस कर दो, तो d/dt ऑफ क्या, 3t² + 9। तो ओपन कर दो, d/dt ऑफ 3t² + d/dt ऑफ कितना, 9। तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, d/dt ऑफ t का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर क्या आएगा, ये लो 60। तो कितने लोगों को इसमें जो है डाउट नहीं है? हाँ, कितने लोगों को डाउट है? अच्छा ठीक है, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हो जाएगा सॉल्व। ये एस की वैल्यू पुट करनी है और डिफरेंशिएट कर देना, और डिफरेंशिएट तो आपको करना आता ही है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, ओके। 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब मेटल, कितने लोगों को समझ में आ गया 10th, हाथ खड़ा करना, ओके। मेटल रिंग इज हीटेड, देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है फिजिक्स की, जब किसी भी मेटल को गर्म करते हैं ना, तो कोई भी चीज एक्सपैंड होती है गर्मी से, फैलती है, सबको मालूम है चीजें फैलती हैं, तो गर्मी से थर्मल एक्सपेंशन से चीजें फैलती हैं, तो कह रहे हैं एरिया उसका बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया टाइम के साथ कैसे इंक्रीज हो रहा है वो क्वेश्चन में आपको उसने दे दिया, कितना, 3t² + π। क्या निकालना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हुआ ना, इसको क्या, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, da/dt। तो कुछ नहीं करना, इस a की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देना है, तो d/dt ऑफ एरिया की जगह क्या पुट करेंगे, 3t² + π। तो इसे ओपन करो, d/dt ऑफ 3t² + d/dt ऑफ व्हाट, π। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो यहां से 3 बाहर आ गया, d/dt ऑफ क्या बचा, t का स्क्वायर, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 60। क्लियर है यहां तक कि कैसे आंसर निकालना है इसमें? और 11th में डाउट, 11th में आज किया पावर रूल, तो 3/2 नीचे इस पूरे ब्रैकेट की होल पावर कितनी, 3/2 - 1 इनटू d/dt ऑफ 3t + 2 भी करना पड़ेगा इसमें, आज हमने क्वेश्चन किए इसके ऊपर। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस, यहां भी क्लियर है, यस। क्वेश्चन नंबर 11th करना है, तो 11th क्वेश्चन ये देखो,
इलेवेंथ क्वेश्चन में, ये मेरा इलेवेंथ क्वेश्चन है, डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी प्लस टू होल रेस टू पावर थ्री बाई टू, पावर कितनी है थ्री बाई टू, थ्री टी प्लस टू की पावर कितनी है थ्री बाई टू माइनस वन। अगर मैं इस पावर पे हाथ रख लूं तो मेरे पास मुझे क्या दिखता है, ये दिखता है। तो इससे मुझे फर्दर क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट, कितना थ्री टी प्लस टू, ये स्टेप क्लियर है ठीक। तो इसमें थ्री बाई टू इंटू थ्री टी प्लस टू होल रेज टू पावर हाफ इंटू थ्री कॉन्स्टेंट आ जाएगा डी टी बाई डी टी, और डी बाई डी टी ऑफ कितना टू, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज जीरो और डी टी बाई डी टी क्या होता है वन, आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ओके। तो ये मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी जो आपने अभी ट्राई की, तो आज मैं सेकंड असाइनमेंट दूंगा और डिफ्रेंसिएशन को आज हम क्लोज करेंगे। सेकंड असाइनमेंट करने से पहले मुझे कुछ सेकंड असाइनमेंट तक कुछ काम करवाना है डिफ्रेंसिएशन का। और तो डिफ्रेंसिएशन के अंदर नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें प्लीज, नेक्स्ट फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन का, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स बाय डी एक्स। अगला फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। डी बाय, नेक्स्ट फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे, डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स इज माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स बाय डी एक्स, ठीक। जैसे हमने किया था साइन एक्स इज कॉस एक्स और एंगल की भी अलग से डिफ्रेंसिएशन, ऐसी टेन एक्स की सीकेंट स्क्वायर एक्स, ऐसी कॉट एक्स की माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स की सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसेकेंट एक्स की माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। आप कहेंगे अब ये भी याद करने पड़ेंगे, देखो इसकी एप्लीकेशन काफ़ी कम है, ये मैथ्स में प्लस टू में काम आते हैं काफ़ी ज़्यादा, हमें साइन या कॉस में ज़्यादा चाहिए होते हैं और हमने साइन और कॉस कर लिया, तो इसलिए अब इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का तो अंत ही नहीं है मैथ्स में, तो हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत कम करते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। अदरवाइज मैंने फॉर्मूलाज लिखवा दिए हैं, जैसे साइन एक्स की है टेन एक्स की है, ऐसी जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स की है वैसी टेन की कॉट की सीकेंट और कोसेकेंट की भी है, अगर जरूरत पड़े तो हम फॉर्मूले की लिस्ट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर साइन और कॉस में ही काम किया जाएगा। ठीक है यहां तक, तो ये फॉर्मूलाज मैंने लिखवा दिए, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, इतना नहीं चाहिए हमें ये फॉर्मूलाज, पर हाँ एक लिस्ट में ऐड कर लिए, अगर कभी दो साल में जरूरत पड़े तो एटलीस्ट हमारा लिस्ट है, हम देख सकते हैं कि ये इसका टैन का या कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, हम रेफर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो और काम आने वाला फॉर्मूला है वो है, लिखो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये काफ़ी काम आएगा, क्या डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग सुना हुआ है आपने, लॉग एक्स, लॉग यूज नहीं करते नाइन टेंथ में, नहीं करते अभी प्लस वन प्लस टू में यूज हो जाएगा। देखो जो लॉगरिथम्स हैं, लॉगरिथम्स के कुछ रूल्स हैं, ये भी मैथ्स का ही पार्ट है, ये भी मैथ्स का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल्स पे काम करते हैं और लॉग्स के कई एप्लीकेशन भी है, जैसे अगर आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशंस को
यूज़ करना है या सॉल्व करना है, तो आप लॉग टेबल देके उन कैलकुलेशंस को बहुत इजीली बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हो। बड़े बड़े टर्म्स डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बजाय आप लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक उसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन और भी है इसकी लॉग की, लेकिन वो अभी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा काम, वो मैथ्स का पार्ट है, हम नहीं कर रहे। हम यहाँ पर ये समझते हैं कि लॉग नाम की कोई चीज़ है, और लॉग के आगे अगर एक्स लगा है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x। सिंपल, लॉग के आगे जो भी टर्म आएगी वो कहाँ पर आ जाएगी, 1 के नीचे आ जाएगी। तो जैसे लॉग ऑफ एक्स आंसर क्या देगा, इसकी डिफरेंशिएशन आंसर क्या देगा, 1/x। लेकिन एक चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लॉग के आगे क्या चीज है, एक्स। तो इसको लॉग के आगे जो भी टर्म है उसको अलग से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। वो अलग बात है कि इसका आंसर डीएक्स पे डीएक्स क्या होता है, 1। क्लियर है यहां तक? जैसे मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन आ गया लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो बोलो आंसर क्या होगा, 1/x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स का स्क्वायर। ये जो भी टर्म होगी वो नीचे आएगी और वो इधर भी जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और ये तो पावर रूल से हो ही जाएगा सॉल्व। तो आंसर आएगा 2 इंटू कितना x, x से x कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 2/x। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसमें? तो लॉग की प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं करना, लॉग ऑफ जो भी टर्म है वो टर्म नीचे आ जाएगी और वो टर्म यहां भी चली जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल करें इसके, ये देखो। तो इसका एग्जाम्पल हम ये करते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 2x+1, 2x+1। तो रूल सिंपल है कि आप इसमें क्या करेंगे, लॉग के आगे जो भी टर्म है उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी टर्म यहां पर है उसको यहां पे लेके आए, ऐसे करेंगे ना, 2x+1 डिनोमिनेटर में और 2x+1 कहां पर, यहां पे आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2x+1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, ऐसे। तो यहां से 2x+1 इंटू टू कॉन्स्टेंट है डी एक्स बाई डी एक्स और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज 0, दिस इज 1। तो आंसर आएगा 2/2x+1 इज द आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो आसान है, कुछ भी नहीं करना, लॉग का फॉर्मूला लगाना आ गया। क्वेश्चन दू करें, क्वेश्चन लॉग के ऊपर देख लो एक बार। हाँ, 2 इंटू की है ये, ऊपर आ गया, एक ही बात है, ठीक है यहां तक? ठीक, ठीक है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1+log x डिवाइडेड बाई 1-log x। क्या लगेगा? आप सबसे पहले यू बाय वी का फॉर्मूला शुरू करो, ऊपर लो यू, नीचे वी, और फिर यू बाई वी लगाओ, फिर अगला स्टेप करना।
इसमें क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को क्या लेंगे, u, इसे क्या लेंगे, v, तो क्या आएगा, 1 माइनस log ऑफ x इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log ऑफ x, माइनस 1 प्लस log ऑफ x इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस log ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस log ऑफ x का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, यहां तक सबने किया ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, ओके नेक्स्ट स्टेप, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस ठीक, ओपन करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, ये लो, माइनस 1 प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस log ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक, नेक्स्ट है, अब सॉल्व करते हैं, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1 बाई एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, 0, इसकी जगह क्या आएगा, 1 बाई एक्स, तो अगले स्टेप में पुट करना मुझे, अगले स्टेप में चाहिए, एक स्टेप लिखना पड़ता है मुझे, तो मैंने यहीं पुट कर दिया, अदरवाइज आपको नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह 0 और इसकी जगह 1 बाई एक्स लिखना है, समझ में आ रहा है यहां तक, बस डिफ्रेंसिएशन हो गई, डन, यहां तक सफिशियंट है, तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, मेथड समझ में आ रहा है सबको, कि लॉग की डिफ्रेंसिएशन कैसे होगी, ठीक ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, लॉग की ही प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, डाउट ठीक है, करें स्टार्ट, तो क्वेश्चन है d by dx of log of under root of 2x plus 1, ये लो, log के आगे क्या है, under root of 2x plus 1, इसे करना है,
काफी लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, कई लोग इसमें पावर रूल पहले लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? पहले क्या है, पावर है कि पहले लॉग है? लॉग है, लॉग से स्टार्ट हो रही है डिफरेंशिएशन। लॉग के अंदर क्या चीज है? अंडर रूट ऑफ 2x+1। तो पहला रूल क्या करेंगे इसमें, लॉग के आगे जो भी टर्म है उसको उठा के यहां पे कर देंगे। ठीक है, यहां तक वन अपॉन ये टर्म आ गई, इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2x+1। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? पहला स्टेप, लॉग के आगे जो भी टर्म है वो नीचे आ गई एज इट इज और उसी की क्या कर दी, डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ठीक है, यहां तक आगे ऑनलाइन वालों को क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। अब इधर देखो, डी वाई डी एक्स ऑफ 2x+1 की होल पावर बोलो कितनी है, 1/2 है। क्या लगेगा? पावर रूल लगाए, पावर रूल ये देखो, 1/√ 2x+1 इंटू पावर बोलो कितनी है, हाफ 2x+1 ½-1। कोई डाउट इससे? सबने किया ये? एक चीज काफी लोग भूल गए, अगर पावर पे हाथ रखा जाए तो क्या बचता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+1। भूल गए, dx बाई डी एक्स 1 थोड़ा ना बच रहा है, पावर नीचे एक पावर कम और पावर पे हाथ रखा तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचेगा, 2x+1। ये स्टेप सबको समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट था इसमें, तो मैं पुराना क्वेश्चन चेक कर रहा था जो आज हमने किया, ये वाला जिसमें dx बाई डी एक्स 1 नहीं होता। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बस यही तो ट्रिक है इसमें। ठीक है, यहां तक तो ये ट्रिक है इसमें और ये तो आप आगे कर ही लोगे। कैसे? ये एज इट इज अंडर रूट ऑफ 2x+1 इंटू हाफ इंटू 2x+1 माइनस हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाहर आ गया dx बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, 1। तो dx बाई ये टर्म क्या आएगी, 0, ये क्या आएगा, 1। ये आंसर आएगा आपका, ये 2 देख रहा था मैं, कई लोगों ने 2 नहीं लिखा, मैं बोल रहा था चेक करते हुए 2 कहाँ है, तो ये मैं यही 2 चेक कर रहा था, क्या आपका 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा मेरे को पूरा क्वेश्चन चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं, तो मेरे को पता ही था गलत है, तो 2 तो दिखना चाहिए मुझे दूर से। तो समझ में आया यहाँ तक 2 कैसे आएगा? कोई डाउट इसमें? हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स में, वो बात अलग है, मैंने आपसे मन से बना के दे दिया जस्ट टू चेक कि आपको पुराने रूल्स आए कि नहीं आए, अपने मन से बना के दिया। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक जस्ट प्रैक्टिस के लिए, कुछ तो प्रैक्टिस करवाना ही है ताकि आपका हाथ तेज चले, रूल एकदम क्लियर हो। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ ये जो लॉग की जो टर्म्स होती है ना, लॉग की कैलकुलेशंस हैं, लॉग की कुछ लॉग का कुछ एलजेब्रा है, लॉग के कुछ रूल्स हैं, वो मैं 2-3 रूल्स आपको लिखवाना चाहता हूँ। वो मैथ्स के टीचर आपको मैथ्स में कराएंगे लॉग के क्या रूल्स हैं, मेडिकल वालों को ये 3 रूल जो मैं करवा रहा हूँ बस इतनी सफिशियंट है, उनको लॉग की जरूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है। मेरे फिजिक्स में लॉग कितना चाहिए, बस वो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहले मेरे को चाहिए लॉग की डिफरेंशिएशन, मैंने बता दी, कल को अगर मैं लॉग यूज़ करूँगा तो उसकी डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, एक। ठीक है, बता दिया मैंने। दूसरा, लॉग के कुछ रूल्स हैं, तो पहला रूल लिखें लॉग का, पहला रूल लिखें लॉग ऑफ कोई भी अगर नंबर होगा, जैसे लॉग ऑफ क्या निकाला मैंने, ए, तो मैथ्स का रूल है लॉग ऑफ जो भी कोई नंबर होगा, जैसे लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 4, लॉग कुछ भी, लॉग ऑफ 5, कुछ भी, लॉग का हमेशा यहां पर बेस होगा, बेस, ये बेस है, बेस, ये बेस कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं चेंज कर रहा हूं, एक मिनट, जैसे सपोज करो लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस वाई, ये बेस क्या होती हैं, ये हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है फिजिक्स का, पर मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि लॉग ऑफ जैसे एक्स निकलता है ना, उसका बेस भी होता है और उसका बेस कोई नंबर होता है, जैसे यहाँ पर वाई लिया। जैसे मैं लॉग ऑफ 10 निकालना चाहता हूँ टू दी बेस 2, तो यहाँ पर मैथ्स में जब कैलकुलेशन होती हैं तो हम लॉग किसका निकालना चाहते हैं, 10 का, और बेस क्या है उसका, 2। आपको कि ये बेस क्या चीज़ है, बेस कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ एक बड़ी लंबी स्टोरी है, ये तो पूरा लॉग का चैप्टर स्टार्ट करने वाली बात है। मेरे को ये इतना चाहिए नहीं है, मेरे को लॉग चाहिए नहीं है वैसे तो फिजिक्स में,
तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं अगर गलती से अगर मैं लॉ का पूरा साल में एक भी क्वेश्चन कर गया, पूरे साल में एक क्वेश्चन, वो उसके लिए बता रहा हूं, पूरे साल में तो कुछ भी नहीं होता, तो नेग्लिजिबल ही है। तो लॉग ऑफ कोई भी लॉग का नंबर होगा उसका बेस होता है। आप कहोगे अगर मेरे क्वेश्चन में बेस नहीं लिखा, लिखा ही नहीं, जैसे अभी लॉग ऑफ हम जब जो अभी डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे लॉग की, मैंने कोई बेस तो लिखा ही नहीं। जिसका बेस नहीं लिखा होता बाय डिफॉल्ट उसका बेस ई होता है, लिखते नहीं है, ई होता है। ई एक नंबर होता है मैथ्स में, मैंने बताया 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है। तो बाय डिफॉल्ट लॉग का बेस क्या होता है, ई नंबर होता है। आप इसे नहीं भी लिखें तो भी मैथ्स के लोग जानते हैं कि इसका बेस बाय डिफॉल्ट ई है, और अगर आप लिख दें ई तो पता है कोई बात नहीं, आप ई लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली जब लॉग का कोई बेस ना गिवन हो तो उसको क्या लेते हैं, ई लेते हैं। ऐसे लॉग को नेचुरल लॉग्स बोलते हैं, बाय नेचर बेस क्या होता है, ई। तो ऐसे बेस को क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो कभी कभी नेचुरल लॉग को ऐसे लिखा जाता है, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ 10, तो लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई लिखना, या ln 10 लिखना, एक ही बात है। क्योंकि जब मैंने नेचुरल लॉग लिख दिया तो बाय डिफॉल्ट इसका नंबर बेस क्या चल रहा है, ई ही चल रहा है। क्या करेंगे बेस का, कुछ नहीं करेंगे। फिजिक्स में मैथ्स वाले अपने आप करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना है इसका। तो इसलिए बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं कि मैं लॉग समझ में नहीं आया, लॉग समझा कौन रहा है, मैं तो नहीं समझा रहा। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, बस मेरे को एक लॉग की प्रॉपर्टी बतानी है, इसलिए मेरे को ये सारी कुछ चीजें बतानी पड़ रही हैं। तो बस मेरे को यही बताना है कि जब लॉग का कोई कोई नंबर, हम लॉग का कोई नंबर निकालते हैं उसका बेस बाय डिफॉल्ट ई लेते हैं। या तो क्वेश्चन पूछने वाला कोई बेस नंबर दे दे, अगर नहीं दे रहा तो बेस क्या लिया जाता है, ई लिया जाता है, ये बताना है मुझे। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, आपने कभी सुने लॉग टेबल्स आते हैं मार्केट में, मिलते हैं लॉग टेबल्स। अच्छा, आप +1 +2 की जब बुक लेंगे ना कोई भी एनसीईआरटी, उसके बिल्कुल एंड वाले पेज पे लॉग टेबल्स मिलते हैं। तो लॉग टेबल्स में जैसे log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 4 की वैल्यू पता नहीं क्या होती है, log 5, log पूरे टेबल में 1 से लेके 100 तक के लॉग लिखे होते हैं। क्योंकि जब आपको ये जो लॉग के नंबर्स हैं वो ढूंढ, देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ तो तरीका हो, इसकी कोई वैल्यू तो होती होगी ना, लॉग के साथ थोड़ा कोई कैलकुलेशन करता, कोई नंबर आएगा। आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें उसमें लॉग भी लिखा होता है। अब चेक करना, साइंटिफिक कैलकुलेटर कंप्यूटर पे होगा या मोबाइल पे, देखना डाउनलोड करके, तो उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग की वैल्यू ढूंढने के लिए बटन है, आप 10 log दबाओगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं होती उसमें। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं जो मार्केट में लॉग टेबल्स होते हैं उनमें जो जैसे लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 10 है, लॉग ऑफ सॉरी 2 की वैल्यू 0.3010 है जैसे मैंने बताया, तो वो जो लॉग टेबल्स हैं, जैसे लॉग ऑफ 2 की वैल्यू मैंने क्या बताया 0.3010 है, राइट। उसमें जो मार्केट में ये जो टेबल्स आते हैं उसका बेस बाय डिफॉल्ट क्या लिया जाता है, 10। वो पूरा टेबल बनाया जाता है क्या मान के, टू द बेस 10। वैसे लॉग के अगर बेस ना लिखा हो तो क्या लेना होता है, ई। पर जो मार्केट में टेबल्स आते हैं जैसे लॉग 2 की वैल्यू देखनी, या आप कैलकुलेटर में लॉग की वैल्यू देखेंगे तो उसके अंदर लॉग की, लॉग का बटन होता है एक्स और वाई, दो बटन लगे होते हैं साइंटिफिक में, कि लॉग ऑफ 10 निकाल रहा हूं तो कैलकुलेटर दो वैल्यूज लेता है, किसकी लॉग की वैल्यू निकालनी है, आप बोलोगे 10, फिर पूछेगा बेस क्या लेना है, आप बोलोगे 10, तो लॉग 10 टू द बेस 10 निकाल देगा। अगर आप कहोगे टू द बेस ई निकालना है तो लॉग 10 टू द बेस ई निकाल देगा। तो इस तरीके से लॉग की कैलकुलेशंस होती हैं। क्या करना है आगे मैंने नहीं बताया, ना मुझे चाहिए। तो मैंने सिर्फ आपको इस पूरी स्टोरी में एक ही चीज बताई कि लॉग किसी भी चीज का अगर निकलता है तो उसका कोई बेस होता है, वो बेस क्या करते हैं, छोड़ दो उसे नहीं चाहिए मुझे, बस इतनी बात समझ में आती है। वो बेस कुछ भी हो सकता है, वो ई भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है। वो कैसे चेंज होते हैं बेस, वो हमारा पढ़ने का कोई टॉपिक नहीं है। तो मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी सिखाना चाहता हूं। तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड इसका इसका और इसका बेस तीनों का एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो मैंने तो बेस लिखा ही नहीं, तो मेरे हिसाब से तीनों लॉग्स का बेस क्या चल रहा है, ई। तो बोलने की जरूरत ही नहीं, तो अगर बेस सेम चल रहा है तो लिखूं क्यों, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है,
log of first term plus log of second term will give log of first term into second term. आप कैलकुलेटर अगर आपके घर पे है चेक कर लेना, कोई नंबर मार्क कर लेना, जैसे आप log of 2 निकाल लेना कैलकुलेटर में, फिर log of 3 निकाल लेना कैलकुलेटर में, या अलग अलग वैल्यू लिख लेना और आंसर क्या आएगा, log of बोलो कितना 2 into 3 और कैलकुलेटर में log 6 निकाल लेना, आप देखना कि इन दोनों का सम जो वैल्यूज का आएगा और log 6 का जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा. तो ये प्रॉपर्टी नंबर वन क्लियर है कि कभी भी मैं आज के बाद log a plus log b यूज करूंगा तो क्या आएगा, log of a into b, पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी लिखें, दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी, log of a minus log of b log of a divided by b provided तीनों logs का बेस सेम है. तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्लियर है. तो log of a plus log of b is log of a into b, log of a minus log of b, log of a upon b. क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, एक्सेप्ट इसके कि हम ये क्यों कर रहे हैं. क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं ये नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूं कि ऐसा होता है. ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपना एक, अगर हम फिजिक्स ना पढ़ रहे होते, हम गाड़ी ठीक करना सीख रहे होते और मैं एक ट्रेनर होता आपका, देखो गाड़ी सीख कैसे खोलनी है सिखा रहा हूँ, तो मैंने बताया ये एक पेचकस है, ये देख आपको कि क्या करता है, तू रख यार एक मिनट बताऊँगा तेरे को, रुक जा, जब खोलूँगा तभी बताऊँगा ना, ऐसे कैसे बताऊँगा. तो ठीक है, ये एक हैमर है सर, ये क्या करता है, हैमर, बस ये हैमर है यार, तू बस नाम याद रख, अभी तेरे को इसकी वर्किंग सिखाऊंगा, जब गाड़ी पूरी खुलेगी सिखाऊंगा कि हैमर क्या करता है. बिल्कुल वैसे तुम लॉग रखो अपने पास, जब इसकी एप्लीकेशन आएगी मैं सिखा दूंगा कि लॉग हमने उस टाइम किया, देखो मैं यूज करने जा रहा हूँ. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एकदम एप्लीकेशन, क्योंकि फ्रिज खुलने में टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे करके हम इकट्ठे करते रहेंगे, बाद में पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, अभी हल्की हल्की इमेजेस को स्टडी कर रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग की लिखें, लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर वाई, मान लो बेस छोड़ो, बेस जो भी है ई रहने दो, अपने मन में ई रख लो, लॉग ऑफ एक्स की पावर क्या है वाई, इज ऑलवेज इक्वल टू वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स. ये जो पावर होती है ना ये बाहर आ सकती है, तो मैंने क्या लिखा, लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर क्या वाई, तो एक्स की पावर क्या है वाई, तो वाई पावर नीचे रख लो और इंटू क्या कर दो, लॉग ऑफ एक्स. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको आ गया लॉग ऑफ ए क्यूब, एग्जाम्पल है लॉग ऑफ ए क्यूब, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं थ्री इंटू लॉग ऑफ ए, ए की बात है. तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज करता रहूंगा, जो पावर्स होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, ये इसकी अलग प्रॉपर्टी है. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो कभी यूज करनी हो तो मैं यूज करूंगा. और लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ कोई भी नंबर एक्स टू द बेस एक्स, अरे किसका लॉग निकल रहा है, एक्स का, और बाय चांस बेस भी क्या है एक्स, इज ऑलवेज इक्वल टू वन. जैसे लॉग ऑफ ई टू द बेस ई इज ऑलवेज इक्वल टू वन, लॉग ऑफ फोर टू द बेस फोर इज ऑलवेज इक्वल टू वन. जब बेस और नंबर सेम हो जाते हैं तो आंसर लॉग हमेशा क्या देता है, वन. ये चार चीजें नोट कर लो, इस पे बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, साइड पे रख लो, ना पढ़ने की जरूरत है. जिस दिन मैंने लॉग पहली बार यूज किया, आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, पता नहीं कब यूज करूंगा, तो मैं आपको याद करवा दूंगा उस टाइम भी प्रॉपर्टी कि हमने ये की थी. देखो ये प्रॉपर्टी मैं लगाने जा रहा हूं, मैं समझ सकता हूं अगर 4 महीने बाद यूज करूंगा प्रॉपर्टी, किसको याद है, किसी को याद नहीं होती. तो इसलिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपने देख ली सफिशियंट है. ठीक है यहां तक? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने देखनी है बस, हाँ ऐसा होता है. ठीक, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बार बार इसको रिवाइज करवाता जाऊंगा. तो क्लियर है यहां तक? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये प्रॉपर्टी? यस. ठीक ठीक है, नेक्स्ट जो है और लास्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, फिर ये डिफरेंशिएशन खत्म नहीं है, एक लेवल और ऊपर जाएगी फिर डिफरेंशिएशन का, फिर मैं सेकंड पार्ट शुरू करूंगा. कोई फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं है, जितना हमने किया उसी के ऊपर है. ठीक, तो क्या लास्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, डी बाय
dx ऑफ e रेस टू पावर x, e कोई नंबर है और रेस टू पावर x, तो कोई कह रहा था कि e तो नंबर है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो, पर e के ऊपर क्या लगा हुआ है, x, बोलो x क्या है, पता नहीं, तो पता नहीं क्या होता है, वेरिएबल, तो e की पावर पता नहीं क्या है, वेरिएबल, पता ही नहीं क्या है, e की पावर x कांस्टेंट तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर e की पावर 2 होती, हाँ 2 भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, मैंने नंबर दिया ही नहीं, तो e की पावर जो भी चेंज करता रहूंगा ये वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज, तो ये एक वेरिएबल है। तो इसका आंसर, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है इसका, इससे बढ़िया फॉर्मूला मिलेगा नहीं, e की पावर x का फॉर्मूला इज इटसेल्फ e की पावर x, तो क्या बात है, तो e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x, बोला था ना, याद करने के लिए कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन e की पावर क्या है, x, तो फिर पावर को अलग से क्या करना पड़ेगा, ये नहीं पीछा छोड़ेगा, इसका आंसर फन है। तो फॉर एग्जाम्पल d बाय डी एक्स ऑफ e रेस टू पावर 2x प्लस 1, बोलो आंसर क्या, e रेस टू पावर 2x प्लस 1 इनटू पावर क्या है 2x प्लस 1, ये स्टेप क्लियर है सबको, पावर को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें, बाकी तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, e की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, इसकी डिफरेंशिएशन 1, आंसर। तो मेथड क्लियर है, e की वैल्यू तो e की फॉर्म में आंसर लिखना होता है, इसमें वैल्यू नहीं पुट करनी होती e की, मतलब मैथ्स में या फिजिक्स में e की फॉर्म में आंसर छोड़ना होता है, आपको वैल्यू नहीं पुट करनी, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो आप पाई की फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, आप ये तो नहीं कहते 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो पाई, जैसे पाई चलता है ऐसे ई चलता है, तो इसकी वैल्यू जरूरत है, 2 समथिंग वैल्यू होती है, लेकिन पुट नहीं करनी होती, बस ऐसे आंसर छोड़ना होता है, आएगा समझ में आएगा आगे आगे कैसे, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला समझ में आ गए, ये समझ में आ गया, मेन मेन फॉर्मूला तो लास्ट टाइम ही किए थे, उसी को हम बार 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 यूज कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, और जितनी मैंने कैलकुलस करवाया मैंने जितना, उसके बेस पे वापस अपनी प्रॉब्लम पे चलता हूँ, जो लेक्चर नंबर 1 में फंस गई थी, कि वो न्यूटन वाली गाड़ी चल रही थी, हम फंस गए थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज पे, तो अब हम निकाल सकते हैं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, अभी हमने कर ही लिया, डिफरेंशिएशन सीख ली हमने, तो इस केस में जैसे सपोज मैंने आपको उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, एक बार फिर सेम एग्जाम्पल है, क्या सपोज एक कार चल रही है और ये कार यहाँ से यहाँ चल रही है, यहाँ पे आई, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है x, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे चेंज हो रही है, टी स्क्वायर, बताया मैंने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल, टाइम के साथ x चेंज हो रहा है, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का लिखने का तरीका क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी, ये निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, डी बाय डी टी ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, टी का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू टी, तो ये मेरी क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है सबको यहां तक, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, बिल्कुल सही है। अब जब ये कर रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो अब एक नई प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई इसको समझते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर मैं ये पूछ लूं फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप आंसर क्या देंगे, 2t, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो एंड में t की जगह क्या पुट करेंगे, 10, एट टाइम t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, तो टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, 15, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, yes. ठीक, ओके. एक नई प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व, dx by dt डन, मतलब इतनी सी बात के पीछे 2 लेक्चर लग गए कि dx by dt पता लगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, पूरा कैलकुलस सीखना पड़ गया सिर्फ ये बताने के लिए कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम समझो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में गाड़ी चल रही है, ठीक है, कार चल रही है,
और मान लो ये कार जो है यहाँ पे थी पहले, ये यहाँ पे थी, इसकी स्पीड क्या थी? जीरो। इसकी स्पीड थी जीरो, राइट। फिर इसकी स्पीड कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। फिर कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। फिर कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन। तो गाड़ी अपनी स्पीड को क्या करती जा रही है? इंक्रीज। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर यहां से यहां आने में टाइम क्या लगा? 2 सेकेंड। यहां से यहां आने में टाइम क्या लगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, ठीक। तो जब गाड़ी यहां से यहां आ रही है तो चेंज ऑफ स्पीड कितनी है? 0 से 2 गई, तो 2 माइनस 0, स्पीड बढ़ गई ना, 0 से क्या हो गई? 2 हो गई। तो इंक्रीज ऑफ स्पीड कितनी है? 0 से 2, 2 हो गई। कितनी देर में? 2 सेकंड में। कितने लोग कहते हैं एक्सेलरेट कर रही है बॉडी? एक्सेलेशन क्या होता है? वेलोसिटी का इंक्रीज होना, मानते हो? वेलोसिटी का इंक्रीज होना इज एक्सेलेशन। तो वेलोसिटी इसमें इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो इतने पोर्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अब 2 से 4 जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा? फिर से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे इसमें भी 1 1 1 1 1, तो आपने देखा एक्सेलरेशन हर इंटरवल में एग्जैक्टली क्या है? सेम है। कोई डाउट इसमें? क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट वेलोसिटी का इंक्रीज होना। तो ये केस आ गया। अब मैं इसको किसी और तरीके से क्वेश्चन को पूछता हूं। क्वेश्चन यही है, बिल्कुल यही है, वही ड्राइवर वही कार, ध्यान से देखना। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता हूं कि ये लो, ये वही कार है। ड्राइवर से पूछा कि बता भाई तेरी स्पीड इनिशियली क्या थी? ये बोलता है 0। तेरी फाइनल स्पीड कितनी है? ये बोलता है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, मैंने कहा ओके, सही है, समझ में आ गया मुझे। तो मैंने पूछा यहां से यहां पूरी जर्नी कितने समय में पूरी की? तो ये बोलता है 10 सेकेंड। तो मैंने कहा ठीक है, एक्सेलरेशन निकालता हूं तेरी। तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? 10 मीटर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सही। अब मैंने ड्राइवर से ये पूछा कि यार बात तो तू ठीक कह रहा है, गलती नहीं है, तो एक काम कर, तू मेरे को इस जर्नी को ना तोड़ के बता कि तूने गाड़ी चलाई तो चलाई कैसे। कि तू कह रहा है कि तेरे घर पे तेरी वेलोसिटी 0 थी जब तू चला और अब तेरी वेलोसिटी 10 हो गई, रास्ते में तूने गाड़ी कैसे चलाई तू बता। तो वो कहता है देखो गाड़ी मैंने ऐसे चलाई कि मेरी वेलोसिटी क्या थी? 0। फिर उसके बाद मेरी वेलोसिटी हो गई थी सीधी 5, मैंने उठा के रेस दबा दी, सीधा 5 कर दी। फिर उसके बाद आपको दिखाने के लिए कि चलो यार आप भी ना कहो कि गाड़ी तेज चल गई, 6 की, फिर मैंने 7 की, फिर मैंने 9 की, और फिर मैंने आखिरी में क्या कर दी? 10 कर दी। आपको यही लगा कि इनिशियली 0 है और फाइनली 10 है। वो अलग बात है कि मैंने गाड़ी ठीक तरह से नहीं चलाई, बीच में थोड़ी तेज चला दी थी, देखो एकदम वेलोसिटी को मैंने बढ़ा दिया था। तो मैंने कहा ठीक है तो बता कितने टाइम में तूने क्या किया? तो वो कहते हैं इसको करने में मुझे टाइम सिर्फ 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड पैर दबाया और वेलोसिटी 5 हो गई। अगला 5 से 6 करने में भी 1 सेकंड लगा, 6 से 7 करने में मैंने 5 सेकंड लगाए, आराम आराम से की मैंने, मेरी मर्जी यार मैं 5 सेकंड लूंगा, ये कोई हैरानगी की बात थोड़ी, मैं नहीं रेस बता 5 सेकंड। तो टोटल कितने हो गए? 7। फिर मैंने कितना टाइम लिया? 1 सेकंड, 8। और फिर मैंने कितना टाइम लिया? अब आपने पूछा टोटल टाइम कितना, तो मैंने बोला 10 सेकंड। देखो मेरी तो कोई गलती नहीं, अब आप डिटेल पूछ रहे हो, मैं डिटेल बता रहा हूं। तो मैंने कहा कि यार एक बात है, एक्सेलेरेशन तेरी कितनी है इस इंटरवल में? तो यहां पर एक्सेलेरेशन क्या होगी? 5 माइनस 0 बाय 1। यहां पे एक्सेलेरेशन क्या होगी? 6 माइनस 5 बाय 1। यहां पर क्या होगी? 7 माइनस 6 बाय 5। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, तू तो कह रहा था तेरी एक्सेलेरेशन 1 है पूरी जर्नी की, और यहां पर तेरी इंटरवल में जब डिवाइड किया तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो वही प्रॉब्लम आ गई जैसे हम बाहर निकल के आए हैं अभी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी वाली। पहला लेक्चर ये तो स्टार्ट किया था पहले लेक्चर में, बस फर्क ये था हम वेलोसिटीज चेक कर रहे थे ड्राइवर की, अब हम क्या चेक कर रहे हैं? उसकी एक्सेलरेशन चेक कर रहे हैं।
और फिर वही सेम प्रॉब्लम कि जितने छोटे छोटे इंटरवल में मैं तोड़ता जा रहा हूं उसके आंसर्स चेंज होते जा रहे हैं। मान रहे हो ये बात? अगर मैं इसकी यही जर्नी को 20 इंटरवल में तोड़ दूं, 0.5 सेकंड में तोड़ दूं, तो आंसर हर इंटरवल में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अरे गड़बड़ हो गई है, तो इसका मतलब वो मुझसे क्या झूठ बोल रहा था? नहीं, वो मुझे कौन सी एक्सलेशन बता रहा था? एवरेज। और मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं? इंस्टेंटेनियस। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है? तो अब हम कौन सी एक्सलेशन पे काम करेंगे? इंस्टेंटेनियस। मुझे एवरेज में काम ही नहीं करना, ठीक। तो फिर से क्या याद आ रही है? कैलकुलस। कौन हेल्प करेगा? डिफरेंशिएशन। तो पॉइंट समझ में आया? तो इन शॉर्ट इसके अंदर अगर मैं पहली जर्नी की बात करूं, जो उसने मेरे को ऐसा बताया कि मैं यहां से यहां आ गया कि सीधा 10 मीटर पर सेकंड है, सीधा 0 मीटर पर सेकंड से टाइम टेकन कितना? 10 सेकंड। तो मैं इसको लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं, लिखने का तरीका ध्यान से देखना। एक फॉर्मल तरीका है। क्या फॉर्मल तरीका है? ये मेरी जो वेलोसिटी है ये v1 है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है? v2 है, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है। पूरी जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। जब गाड़ी चली थी तो टाइम कितना था स्टॉप वॉच में? 0। और जब टाइम t2 कितना हो गया? 10 सेकेंड। तो मैंने जब पूछा एक्सलरेशन कितनी है, तो आपने मुझे आंसर दिया 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। तो आंसर कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इन शॉर्ट आप मुझे पता है क्या बता रहे थे? आप मेरे को ये बता रहे थे एक्सलरेशन विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। और ये क्या है? न्यूमिनेटर, चेंज इन वेलोसिटी। तो फिजिक्स वाले ऐसे थोड़ा ना बात करते हैं। क्या बात करते हैं? डेल्टा वी, t2 माइनस t1 की जगह। और ये एक्सेलरेशन को क्या नाम देंगे? तो लिखो कॉपी में एवरेज एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, ये लो। और आपको मालूम है डिफरेंशिएशन लोग शायद 2 लेक्चर में करवाते हैं, कोई टीचर 2 या मैक्सिमम 3 या 2-3 लेक्चर में खत्म कर देते हैं। मैं 5 में करता हूं। उसका रीजन पता है क्यों? क्योंकि एक चैप्टर आएगा मोशन, मोशन का एक लेक्चर बीच में खत्म कर दूंगा, इसमें बातों बातों में मोशन खत्म हो जाएगा। आपको मोशन चैप्टर इजी लगेगा क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट आप बीच बीच में कैलकुलस में करवा दूंगा। इसमें एक से भी ज्यादा लेक्चर बचेगा, कम से कम 1.5-2 लेक्चर का फर्क मोशन में डाल दूंगा। मोशन चैप्टर क्विकली आपका हो जाएगा क्योंकि आपको सारा कुछ पहले से आता होगा। तो मैं मिक्स करके करवा रहा हूं कैलकुलस एंड मोशन। तो लिखो, तो एवरेज एक्सेलरेशन ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसमें ये मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्म, तो आज के बाद एवरेज वेलोसिटी अगर लिखनी हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या? गलत, मैंने एवरेज एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं, मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी। आप बोलेंगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर पूछूंगा एवरेज एक्सेलरेशन तो क्या बोलेंगे? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, सही। और अगर मैं पूछूंगा इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो बोलो ये डेल्टा भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये किसमें हो जाएगा? डीटी। लिखो, तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि बड़ा चेंज बाय बड़ा चेंज, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्मॉल चेंज बाय स्मॉल रेट ऑफ। तो आपने सुना होगा व्हाट इज एक्सेलरेशन, फिजिक्स में सिखाते हैं 7वीं 8वीं 9वीं में स्टार्ट हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? बोलो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उस दिन तो आपको समझ में नहीं आया क्या हो गया, हो सकता है उस दिन आपको लगा कि मुझे समझ में आया, नहीं आया,
आज समझ में आया रेट ऑफ चेंज ऑफ कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस हीट का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ। अब समझ में आया डेफिनेशन कैसी आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, रादर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे चलेगा देखो, अब ध्यान से देखना। सपोज एक कार मूव कर रही है सच दैट उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इज गिवन बाय टी क्यूब, टाइम के साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बोलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? तो मैं इसमें डी बाय डी टी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करूं, टी क्यूब, तो आंसर क्या आएगा? ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंबल इज वी, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 3t2, राइट। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है एक गाड़ी चल रही है हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी क्यूब, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, डी वी बाय डी टी, तो वी कहां से आएगा, वी आ चुका है, यानी कि अगर आपको एक्स गिवन होगा और वो आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेगा तो आपको क्या चाहिए होगी, वेलोसिटी। तो आपको पहले एक्स को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, और क्या निकलेगी, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट को क्या निकलेगी, एक्सेलरेशन। समझ में आया यहां तक? तो यहां पर d by dt of velocity की जगह 3t square, 3 बाहर आ गया, d by dt of t का square, तो 3 into 2t कितना आंसर आएगा, 6t आंसर, नोट कर लो। तो यानी कि अगर आपको x गिवन होगा और velocity निकालनी होगी, एक बार डिफरेंशिएट, acceleration निकालनी होगी, तो जो आंसर आया velocity का उसको एक बार और डिफरेंशिएट। इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ओके ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, तो करें फिर क्वेश्चन इसके ऊपर। तो लो आप एक क्वेश्चन करना भी इसमें। क्वेश्चन है इफ कार इज मूविंग विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एक्स दे दिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है और एंड में टाइम को क्या पुट करना है, 1। सीधा टाइम को मत बट 1 पुट कर देना, एक्स निकाल के बैठ जाओ, फिर गलत है। पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड में टाइम पुट करना है, शुरू में नहीं टाइम पुट करना। टू आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस निकालनी है, तो मुझे क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होती है, डीवी बाय डीटी। तो इसका मतलब अगर ए निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो मुझे क्या चाहिए, वी। तो मुझे वी चाहिए, वी तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, एक्स तो है, तो एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, डीएक्स बाय डीटी। तो वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन।
तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी बाय डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाय डी टी ऑफ सेकेंड टर्म प्लस डी बाय डी टी ऑफ थर्ड टर्म। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t यहां पर क्या आएगा, 1। क्या स्टेप क्लियर है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी भी टाइम नहीं पुट करना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जाने के लिए इसको एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो ये v आ गया, इस v को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, d by dt of कितना 2t plus 1, तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू d by dt of 2t plus d by dt of 1, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2 into dt by dt, और ये क्या आएगा 0, तो एक्सीलरेशन कितनी आ रही है 2। आप कहेंगे सर टाइम कहां पुट करूं, भाई वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में चल रहा है, आपकी क्या प्रॉब्लम है? अगर a का आंसर टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यानी कि टाइम जो 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो आंसर 1 सेकेंड पे भी 2 रहेगा, चाहे 10 सेकेंड हो तो भी आंसर 2 ही रहेगा, इसमें टाइम ही नहीं आ रहा, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बिल्कुल सही, तो समझ में आया यहां तक? तो आपका अगर टाइम बीच में आ जाता, मान लो इसमें आंसर आता 2 into t, फिर टाइम को क्या पुट करना था, 1 सेकेंड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो टाइम की वैल्यू आपने एंड में पुट करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, और अगर वो कांस्टेंट आ रही है तो आंसर इज ऑलवेज 2। डन, क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये मोशन है, ऐसे चलेगा मोशन का चैप्टर, मैं बीच बीच में वो चैप्टर उठा लेता हूँ, बीच में वापस कैलकुलस पे आता हूँ, देखो फिर मैं कैलकुलस पे वापस आ रहा हूँ, फिर बीच में मैं मोशन को लेके आऊंगा, देखो कहीं एप्लीकेशन दिखानी पड़ेगी ना कहाँ काम आ रहा है। तो मैं एक नई चीज सिखाता हूँ मैं आपको, ये समझ में आ गया, एक रूल समझो, है ना, ये रूल ध्यान से, आ गया तो ठीक है, नहीं तो इतनी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं भी आएगा तो यूज करने के 2 तरीके हैं, एक तो बता दिया मैंने हाउ टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन, एक और तरीका है मेरे पास, तरीका यह कि जैसे कोई भी इक्वेशन मुझे गिवन है, कोई भी इक्वेशन सीख लो पहले, x इज इक्वल टू x इक्वेशन है, मतलब हमें आदत है y इज इक्वल टू x देखने की, मैंने लिख दिया x, क्या प्रॉब्लम है, x इक्वल टू x, x x के इक्वल है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है, डन। एक रूल है, बड़े ध्यान से देखना, कि अगर मैं इस इक्वेशन को के लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट कर दूं, तो अगर मैं लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे राइट साइड को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन रिमेंस सेम। मतलब ऐसा नहीं हो सकता लेफ्ट को तो डिफरेंशिएट कर दिया, राइट को चलो छोड़ो रहने दो, फिर तो इक्वेशन खराब हो जाएगी। तो अगर x x के इक्वल है और मैं ये बोलता हूं कि मैं लेफ्ट की तरफ क्या लगाया d by dx, तो मुझे राइट की तरफ भी लगाना पड़ेगा d by dx। तो अगर मैंने लेफ्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया तो मुझे राइट टर्म को भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। क्या ये रूल क्लियर है? चेक कर लो, dx पे dx क्या होता है, dx पे dx क्या होता है, हाँ, तो यानी कि मैं ठीक बोल रहा हूं ना, अगर मैं एक को डिफरेंशिएट कर दूं दूसरे को करूं ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यानी कि आप ये चीज एग्री करते हो कि अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है और मैंने अगर लेफ्ट को डिफरेंशिएट किया तो मुझे उसी टाइम राइट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन मेंटेन रहे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जैसे फिर से देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर रहा हूं, एक्स और तभी मैंने जान के एक्स और एक्स सेम लिया था ताकि मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊं कि देखो आंसर क्या आ रहा है, एग्जैक्टली सेम। फिर देखो, जैसे ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है और मैंने इसे क्या किया, डिफरेंशिएट, तो मेरे को इसको भी सेम अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो इसकी भी डिफरेंशिएशन, इसकी भी डिफरेंशिएशन, आंसर क्या आएगा 2x, आंसर क्या आएगा। तो एग्री कर रहे हो, किसी भी इक्वेशन को अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो एक तरफ से नहीं करना, दोनों तरफ से ही करना है। जैसे वो करते नहीं मैथ्स में, एक इक्वेशन गिवन है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय अ फिक्स्ड नंबर 2, तो ये थोड़ी ना कि 2 को इधर से मल्टीप्लाई करके उधर से किया, नहीं, तो 2 दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक से नहीं करना होता। क्या पॉइंट क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन का भी सेम रूल है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मेरे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू y और अगर मैं यहां पे d by dx करता हूं तो मुझे राइट साइड पे भी करना पड़ेगा d by dx, तो ये इक्वेशन भी क्या मानी जाएगी, एग्जैक्टली सेम।
हाँ वो लग नहीं रही, सेम बात अलग है, पर लेकिन अगर मैं कुछ वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक नोट करना, मैं इसका इसको इसकी एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ ये किया क्या मैंने, मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा अभी, आप इतना नोट कर लो, मैं आपको फिजिक्स के अंदर यूज कैसे करना है इसे अभी बताता हूँ। ठीक, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है, आप एक साइड अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सेम अमाउंट से आपको सेकंड साइड भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, बस ये बताया, तो आंसर सेम आएगा। ठीक, इसे लिखो, मैं करके दिखाता हूं आपको करना कैसे है। वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, बोलो, डाउट है किसी को? ठीक है, मैं लगा के दिखाता हूं इसको कैसे लगाएगा। ठीक है, देखें, करें ध्यान से, देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, लिख लिया, देखो एक चीज का आंसर देखना, ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से। सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स कितना, टी स्क्वायर, मैंने पूछा फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपने क्या लिखा इसका फॉर्मूला, लिख दिया, लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा, इस एक्स की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दो, टी स्क्वायर, तो आपने कहा ठीक, तो यहां पर क्या पुट किया, टी स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आया, टू टी, डन। तो वी किसके इक्वल आया, टू टी, इसमें कोई दिक्कत, सब क्लियर है, ओके। फिर देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि क्या होती है, dx by dt, राइट। इस बार मैंने ट्रिक लगाया, ये x t square एक इक्वेशन है, मैं दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर देता हूं, मैं इधर भी लगा देता हूं d by dt, तो मैं इधर भी लगाना पड़ेगा मुझे d by dt, कोई डाउट इसमें, t वेरिएबल चल रहा है, तो मैंने d by dt, d by dt, मुझे पता लगा dx by dt क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v dx by dt, याद नहीं आ रहा dx by dt क्या होती है, इंस्टेंटेनियस, तो इसकी जगह क्या पुट कर लिया, और यहां क्या लगा लिया, पावर रूल, तो आंसर क्या आ गया, अरे आंसर सेम है, ये ज्यादा बेटर था, अच्छा ठीक है। फिर देखो ये मेरे को याद था, मैंने ये लिख लिया, x को उठा के पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया, मेथड वन पसंद है कि मेथड टू पसंद है, वन पसंद है तो वन कर लो, अगर टू पसंद है, इक्वेशन लिखो d by dt, d by dt, तो dx by dt क्या होता है, v, तो एक लाइन में आंसर आ गया 2t। हाँ अगर आपको 1 पसंद है इट्स ओके, अब 1 यूज कर लो, जबरदस्ती नहीं है, पर मेरे को रूल बताना है कि अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके भी सेम आंसर निकाल सकता हूं। आप रूल नंबर 1 यूज करना चाहते हैं, आप रूल नंबर 1 यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट इसमें, समझ में आया यहां तक, सीख तो लिया, देख तो लिया, कल को अगर कोई किताब यूज, देखो ऑथर किताब लिखता है, मुझे क्या पता मेथड नंबर 1 यूज करेगा, मेरे को क्या पता 2 यूज करेगा, कौन सी किताब पढ़ोगे, वो तो अब अलग अलग बुक्स हैं, या हो सकता है गूगल पे पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई किसी फ्रेंड की असाइनमेंट पढ़, क्या पता क्या, आपको स्टेप तो समझ में आने चाहिए कि इसे क्या किया है। तो मैं आपको रूल बता रहा हूं, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो कोई फर्क नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं 2 मिनट थोड़ा और कंटिन्यू करूं, मेरे को निकालनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, डी वी बाय, तो मैं जो भी वी की वैल्यू आई उसको उठा के यहां पुट कर दूं, तो क्या आएगा, वी की जगह क्या पुट करेंगे, 2t, तो यहां पर क्या आएगा, 2 कांस्टेंट, dt बाय dt इज 1, तो आंसर क्या आएगा, 2, ये हमने किया। वापस चलें मेथड 2, वी किसके इक्वल है,
टूटी, एक काम करो इधर भी लगा दो डी बाई डी टी, इधर भी लगा लो डी बाई डी टी, ये लो। तो आपको समझ में आ रहा है डीवी बाई डी टी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आंसर इसमें भी एग्जैक्टली क्या आएगा? सेम। क्या पसंद है, वन की टू? अच्छा, खुद करना हो तो वन, मैंने करना हो तो समझ में आ रहा है टू। ओके, मैं तीन स्टेप में कर रहा हूं ना, अच्छा लग रहा है, लेकिन खुद करना हो तो वन। ओके, ये रूल बना ले, वन से कर लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप टू करें, इट्स ओके, आप वन से करें। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि आप दोनों को डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस। टू पसंद नहीं आया खास? ठीक है, yes, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? आपकी पसंद या नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? फिजिक्स बनाने वालों ने तो एक नई चीज निकाल दी, दिखाता हूं। ये समझ तो आ गया ना? आप इससे करना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सिर्फ एक चीज बतानी है आपको। क्या? कि अगर आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट है एक्स, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ठीक है, और आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कौन सी वेलोसिटी आई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई। कोई डाउट? अगर मैं वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, आपको मेथड वन पसंद था ना, चलो आपकी पसंद का काम करते हैं, मेरी पसंद छोड़ दो। आपकी पसंद है, ये आपको गिवन है वेलोसिटी, मैंने कहा फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो बोलो क्या करेंगे? डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा? वी। डाउट इसमें? ओके, क्लियर है? ओके, वी की वैल्यू, आपने कहा मुझे मेथड वन पसंद है, वी की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो, तो ये v की वैल्यू पूरी की पूरी यहां पुट कर दो तो क्या आएगा? d बाई डी टी ऑफ, बोलो v क्या है? dx बाई dt। देखो ना, इसमें मैंने कुछ दिया ही नहीं आपको, x इक्वल टू t स्क्वायर t क्यूब, तो आसान होता, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने अपना आंसर dx बाई dt पूछ लिया। देखो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, v तो आप मानते हो ना dx बाई dt होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt होती है। हाँ, एक आसान तरीका था, मैं आपको x की वैल्यू देता t स्क्वायर, आप उसको फटाफट t स्क्वायर डिफरेंशिएट करते 2t, एक बार और डिफरेंशिएट करते t 2 आ जाता, डन। मैंने दिया ही नहीं, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट है x, मैंने पूछा व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपने बोला v इज इक्वल टू dx बाय dt, मैंने बोला व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपने कहा dv बाय dt, मैंने कहा मेरे को v में आंसर चाहिए ही नहीं, मेरे को तो आंसर x में चाहिए, तो आपने कहा कोई बात नहीं, हमें मेथड वन पसंद था, मैंने उठा के इसको यहां यहां पुट कर दिया। तो ये स्टेप क्या बता रहा है आपको? ये है कि मैंने डिफरेंशिएट किया किसे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअल में ये है क्या? वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? डीएक्स बाई डी टी। तो मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर आया। क्या ये स्टेप क्लियर है? आपको ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही? इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार x को डिफरेंशिएट किया और एक बार जो आंसर आया उसको डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया तो a आया। मतलब तो यही है ना? ना, मतलब यही है, ये आना चाहिए, आपको फीलिंग आनी चाहिए कि एक बार आपने x को डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा, फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो a आएगा। एक्सेलरेशन कैसे आती है? दो बार डिफरेंशिएट करके। आप एक बार x को डिफरेंशिएट करते हो तो v आता है, v को डिफरेंशिएट करते हो तो a आता है। और यही बात मैंने एक लाइन में बोल दी कि ये x को डिफरेंशिएट किया तो v आया, v को डिफरेंशिएट किया तो a आया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आती है? शॉर्ट में, x को एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आती है? वेलोसिटी। और एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या आती है? एक्सेलरेशन। ये बात हुई ना हमारी? इसको एक लाइन में बोल दिया कि x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी, इस आंसर को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन। तो फिजिक्स वाले लोग कहते हैं कि x को दो बार डिफरेंशिएट किया, x को दो बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आती है। एग्रीड? x को दो बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आती है। तो फिजिक्स के लोग इसको लिखते हैं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। इसका मतलब है, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना फिजिक्स वाले या मैथ्स वाले, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव।
हम अभी तक काम कर रहे थे सिंगल डेरिवेटिव में. सिंगल डेरिवेटिव का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना, डबल डेरिवेटिव का मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना, ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब तीन बार डिफरेंशिएट करना. तो ऐसा भी बोला जाता है एक्स का सिंगल डेरिवेटिव आपको वेलोसिटी देता है और एक्स का डबल डेरिवेटिव आपको एक्सलरेशन देता है. डबल डेरिवेटिव का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करना, दो बार. तो ये है डबल डेरिवेटिव. पर ये लगता है डी बाई डी टी फिर डी बाई डी टी, तो मैथ्स के लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई करने का स्टाइल भी बड़ा अजीब है. देखो डी को डी से मल्टीप्लाई किया डी स्क्वायर, डी टी को किया तो डी टी स्क्वायर, एक बार डी के ऊपर स्क्वायर एक बार टी के ऊपर स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला किसका है, एक्सलरेशन का. तो एक्सलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तरीका है लिखने का. ठीक, आप नोट करो, मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं ये है क्या चीज. आप यहां तक नोट करो. हाँ ये स्टाइल है लिखने का. नहीं ये स्टाइल है, ये स्टाइल है लिखने का. आपने करना कुछ नहीं, करना वही पुराना तरीका ही है. आपने कर मैंने कुछ देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये करना है, नहीं करना कुछ नहीं इसका. ये हाउ टू रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन है. अगर वो एक्सेलरेशन को डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखता है, ऐसा लिखता है, तो आप अपने मन में सोचेंगे कि उसने ये टर्म यहां से बनाई होगी और अपने मन में सोचेंगे कि यहां पर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया होगा या एक्स को दो बार डिफरेंशिएट किया होगा, तो जाके क्या आई, एक्सलरेशन. तो फिजिक्स में दो बार डिफरेंशिएट को डबल डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं. करना कुछ नहीं इसका, मैं बताता हूं इसको. ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है. तो एक्सलरेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताया मैंने कि डेरिवेटिव्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन है, ये तरीका है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मतलब अपने मन में डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को क्या रीड करेंगे कि एक्स की कितनी बार डिफरेंशिएशन हुई है, दो बार. क्लियर है यहां तक? तो मैं इसको करके दिखाता हूं ये कैसे इसको यूज करना है. राइट, क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब ये मैंने देखो, तो ये आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपका तरीका यूज किया ना. अब मैं अपना सेकंड मेथड यूज करूं इसी को लेके, जो आपने कहा था आपको पसंद नहीं है. अब मेरी पसंद भी एक बार देख लो, मैं भी कुछ शायद ठीक कर दूं इसमें. तो करें, तो मैंने सेम चीज को अगर लिखना हो ना, तो ध्यान से देखना ये क्या चीज है, एक्स. ये एक्स है, ठीक है. अच्छा ये एक्स है और लेट अस सपोज एक्स इक्वल टू टी है. चलो और बेटर क्वेश्चन बना देते हैं. एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब है. मैं आपसे पूछता हूं या मैं आपको कहता हूं कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई फर्क नहीं, इक्वेशन है, मैं ऐसा कर सकता हूं, कोई डाउट? सही है क्या ये पॉइंट? क्लियर है, कर सकता हूं. तो क्या आएगी ये, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई. सॉल्व करके क्या आएगा, थ्री टी स्क्वायर. और एक बार और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सलरेशन. तो एक्सलरेशन आ गई इसको सॉल्व करके इनटू टू टी. देखो ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि सारा कुछ टी की फॉर्म में चल रहा है और फटाफट आंसर आ रहा है. वो डबल डेरिवेटिव दिख नहीं रहा जो मैंने अभी दिखाया था. अब मैं आपको दिखाता हूं डबल डेरिवेटिव कैसे दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना. देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. सपोज आपको वेलोसिटी क्या गिवन है, डी एक्स बाय डी टी. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डीएक्स बाय डीटी. कोई डाउट इसमें? तो वी इज इक्वल टू डीएक्स बाय डीटी, ओके. राइट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? राइट, की क्लियर है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वेलोसिटी. सिंगल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट करना. तो एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी. कोई डाउट इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं. मेरे कहीं पे मेथड टू यूज करो मेरे वाला. ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या लगा दो, डी बाई डी टी एंड डी बाई डी टी. कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया इक्वेशन में इधर भी डी बाई डी टी इधर भी डी बाई डी टी. तो डीवी बाई डी टी क्या बना, एक्सलेशन ए. डीवी बाई डी टी क्या बना, एक्सलेशन ए. और ये आ गया वही आपका दो बार डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी. देखो जो मैंने वो तीन चार स्टेप में किया वो मैंने सिर्फ दो लाइन में कर दिया. तो हाउ टू रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन पढ़ना आ गया. तो कभी कभी एक्सेलरेशन ए की जगह आपकी बुक्स लिखेंगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो हाँ आपको समझ में आएगा कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं. मतलब डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब मन में लगा लो ये ए ही है.
वो हमें डरा रहा है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर में, इसका मतलब वो ए रिप्लेस करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? समझ आया रिप्रेजेंटेशन क्या है ए की? ठीक है यहां तक? अब कोई डाउट इसमें? ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना, मैं क्लास के बाद फ्री हूं, आपको कोई जल्दी नहीं है, मेरे को कोई जल्दी नहीं जाने का, आपको जल्दी मुझे पता नहीं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। तो प्लस टू के बच्चे बैठे रहते हैं, प्लस टू के बच्चे प्लस वन से आए थे शुरू शुरू में, वो भी ऐसे सोचते थे क्या सर क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे यार, कैसे पूछूंगी आसान, कोई टेंशन नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, पूरा साल जितना मर्जी पूछो, आप मार्क करके लाओ, अपने डाउट्स क्लियर करके जाओ। ठीक है, तो आप जो भी आप प्रॉब्लम में फंसे उसको क्लियर करके जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से मैं यहाँ बैठा हूँ, ये नहीं कहूंगा आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। हाँ, अगर आप चार दिन के बाद या चार 40 दिन के बाद पूछेंगे सेम क्वेश्चन, देखो वो प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाएगी। आज तो सिर्फ यही प्रॉब्लम है, बस इतनी सी बात है, लेकिन कल को ये बात बड़ी भी हो सकती है। बोलो। ना 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 ना, ना। आपसे अगर आप अपना लॉजिक एलजेब्रा खुद लगा रहे हैं ना, कि मैंने एलजेब्रा में पढ़ा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है, और एलजेब्रा के हिसाब से डी इंटू डी डी स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर टी टी स्क्वायर आना चाहिए था, डी टी होल स्क्वायर आना चाहिए। भाई मैथ्स वालों ने कैलकुलस बनाया, जिस बंदे ने बनाया उसका राइट है, वो कहता मैं नहीं लिखना चाहता यार, वो चाहता मैं यही लिखूंगा, तो लिखना पड़ेगा तुम्हें, या तुम बनाते कैलकुलस आगे पहले तो फिर तुम्हारी चलती, अब उसने बना दिया तो बना दिया, तो बना दिया, रिप्रेजेंटेशन ऐसी चलेगी, बात खत्म। तो मैं भी चेंज नहीं करूंगा, आप भी चेंज नहीं करेंगे, बात खत्म। ठीक है, बात लॉजिकल है आपकी, बात लॉजिकल है, डिनोमिनेटर में डीटी का होल स्क्वायर होना चाहिए था, तो एक्चुअल में ये डीटी का होल स्क्वायर ही एक तरीके का इकट्ठा डीटी है इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आई यहां पर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो बीच में लेक्चर आ गया, रुक गया, अदरवाइज तो ये एक बार और मोशन की तरफ जा रहा था एक्सेलरेशन पर, कोई बात नहीं, इसको इसको कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड रुको प्लीज, टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जितनी असाइनमेंट आ रही है, एक चीज देखो कि सपोज करो आपके पास जैसे सपोज एक्स की वैल्यू टी रेस टू पावर 4 है, राइट? मेरा क्वेश्चन है फाइंड डी एक्स बाई डी टी। बोलो क्या करूं, आपका मेथड बोलो, आप जो पसंद है बोलो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करें? ओके, आंसर क्या आएगा? मान गया, राइट? मेरा क्वेश्चन है जो आंसर आया इसे एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो आंसर क्या आएगा? 12 टी स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा, राइट? ओके, अब मैं करूं ये रहा, मैं दोनों तरफ क्या लगाऊंगा? डी बाई डी टी, यहां पर भी क्या लगाऊंगा? डी बाई डी टी, तो ये क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी, राइट साइड पे क्या आएगा? 40 क्यूब। कोई डाउट इसमें? सही है, क्लियर है? मैं ये चाहता हूं डी एक्स बाई डी टी हर कोई निकाल लेता है, मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये निकाल लो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो क्या करोगे, ये क्या आई? वेलोसिटी। आप लोग ऐसे करोगे, आप साइड पे ना रफ में लिखोगे, ओ अच्छा ठीक है ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी कितनी है? 40 क्यूब। आप साइड पे लिखोगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? डीवी बाय डीटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाय डीटी ऑफ क्या? 40 क्यूब। आंसर क्या आएगा एक्सेलरेशन का? राइट, और एंड में बोल दोगे सर आपने कहा था एक्सेलरेशन होता है डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, तो ये लो आंसर आ गया, डन। हाँ आप सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसे करूंगा, एक इक्वेशन लूंगा, दोनों तरफ डी बाई डी टी करूंगा, एक मिनट में डी एक्स बाई डी टी आएगा, आ गया एक आंसर आ गया। मैं फिर से इस इक्वेशन के लेफ्ट की तरफ क्या लगाऊंगा? डी बाई डी टी लगाऊंगा, ये लो डी बाई डी टी एंड डी बाई डी टी लगाऊंगा, कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या सिखाया, इनको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं? डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करके आंसर क्या आएगा? 12, एक लाइन में आएगा डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, आपके सामने ही है। ये आपने x लिखा, डी बाई डी बाई डी टी किया, कोई डाउट इसमें? इधर डी बाई डी टी किया, इधर भी लगेगा डी बाई डी टी, सॉरी ऐसे
डी बाई डी टी डी बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, 4 इंटू टी की पावर 3। कोई डाउट इसमें, ये इक्वेशन आई। फिर क्या लगाया, डी बाई डी टी डी बाई डी टी, इसको तो सॉल्व करना आता है आपको, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डी टू एक्स बाई टी टी स्क्वायर। मेथड समझ में आया, हाउ टू कैलकुलेट डबल डेरिवेटिव, समझ में आ रहे हैं यहां तक? एक बस 10 सेकेंड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। x इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 5, फाइंड डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ये लो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो रूल नंबर 1, x की वैल्यू क्या है, t की पावर 5, दोनों तरफ क्या लगेगा, d बाय डी टी डी बाय डी टी। लगाओ इक्वेशन के लेफ्ट की तरफ d बाय डी टी, तो राइट की तरफ भी कितना, d बाय डी टी। कोई डाउट इसमें, सबने कर लिया, इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, 5 इंटू टी की पावर 4। कोई डाउट इसमें, सबने कर लिया। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो बोलो इक्वेशन में लेफ्ट की तरफ क्या लगेगा, डी बाई डी टी डी बाई डी टी लगाए। तो अब लेफ्ट की तरफ लगाओ, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, और राइट की तरफ भी लगाओ, राइट की तरफ डी बाई डी टी ऑफ वॉट, राइट की तरफ क्या चल रहा है, 5 टी रेस टू पावर 4। क्या ये स्टेप क्लियर है? पहले एक बार डी बाई डी टी डी बाई डी टी, सीधा डी एक्स बाई डी टी, फिर एक बार और डी बाई डी टी डी बाई डी टी, तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके बोलो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो निकालना है, और राइट साइड पे डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 4, तो 5 इंटू 4 इंटू टी की पावर 3, 20 टी 3। क्या ये स्टेप समझ में आया, डबल डेरिवेटिव कैसे निकलता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार फिजिक्स टफ होगी, डबल डेरिवेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव पूरे साल में बस मैं एक ही बार यूज करूंगा, बस इतना की यूज है इसका। अगर आप ये सोच रहे हो कि रोज रोज यूज होगा, नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा, आपका मेथड 1 यूज होगा, जो आपको आपने कहा था ना मुझे पसंद है, वही यूज होगा। ये इसलिए कि कल को अगर मुझे यूज करना पड़े तो आपको पता हो, मैं फिर से कैलकुलस भी खोल सकता ना, कि चलो फिर से कैलकुलस करते हैं, रोज रोज थोड़ा खोलूंगा। बोलो, यहाँ पे टी क्यूब आएगा, 5 बार आ गया, टी की पावर 4 आ गया, फिर डिफरेंशिएट बाद में किया ना, पावर रूल 4 इंटू टी की पावर 3, यहाँ किया है, यहाँ नहीं किया, यहाँ किया है। क्या ये स्टेप क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? एक मिनट, यस सर। जो मैंने आज असाइनमेंट दी है, जो मैंने आज असाइनमेंट दी है, इसको आपने ट्राई करना है। इसके डाउट्स आपने कहां तक ट्राई करना है बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 तक, 8, 9, 10, 11, 12 मत करना, 1 से लेके सिर्फ 7 तक करना है, बस 1 से 7 बस। कर सकते हो, कर लो, आगे भी नहीं होगा, फायदा नहीं है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं ही करवाऊंगा 8 से लेके नेक्स्ट 12 तक, क्लियर है? ये डबल डेरिवेटिव नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे, एक आध और क्वेश्चन करेंगे, सफिशियंट है। कैसे निकालना है डबल डेरिवेटिव नेक्स्ट टाइम फिर एक बार ट्राई करेंगे, और आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन वालों को क्लियर है?